देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एम इज द सन ऑफ पी, ठीक है, एम इज द सन ऑफ पी, फिर कहता है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो पी के साथ रिलेशन है तो हम एम से स्टार्ट कर सकते हैं। कहता है कि एम इज द सन ऑफ पी, तो पी का जो सन है वो कौन है, एम है, तो एम को हमने एक जनरेशन डाउन किया, एम पी का सन है, ठीक है। आगे पी के रिलेशन कहाँ था, यहाँ था, ओ हु है, डब्ल्यू एच की फैमिली की बात मैंने बताया था कि जो उसके जस्ट पहले होता है उसका होता है, ठीक है, ओ के बारे में कह रहा है यहाँ। ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, पी का हस्बैंड कौन है, ओ है, ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो ओ हस्बैंड है किसके, पी का, तो पी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, इट मीन्स एम की मदर हो जाएगी पी। फिर कहता है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है ओ की, तो एम की जब तक वो ये नहीं होगी तो ग्रैंड डॉटर कैसे होगी, एम की क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आपसे आगे पूछ रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम का रिलेशन ओ के साथ क्या है, तो एम क्या हो गया, ओ के सन हो गया, ठीक है, क्योंकि पी का सन था, तो पी की का हस्बैंड कौन है, पी का हस्बैंड ओ है, तो एम क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा ओ का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके okay।